given figure shows rectangle ABCD, ABCD rectangle declare कर दिया, inscribed, inscribed मतलब उसके अंदर है, in a circle as shown alongside, AB is equal to 28 centimeter, ये जो है, ये 28 centimeter के बराबर है, BC is equal to 21 centimeter, find the area of the shaded portion of the given figure, so, मेरी तकलीफ ये है, मुझे रेडियस नहीं पता सर्कल. अब एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी, आपको ये चीज और अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी जब आप क्लास टेंथ में जाएंगे. थ्योरम है कि ये जो यहां पर अगर एंगल 90 का बन रहा है, अगर एक लाइन एसी पे क्लास टेंथ में ये करना पड़ेगा, बट अभी आप मान सकते हैं जो मैं कि अगर ये जो लाइन बेसिकली कॉर्ड जो है, अगर ये कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल बना रही है सर्कल के ऊपर, ये 90 पे, तो ये जो कॉर्ड है ये बेसिकली कौन है, ये डायमीटर है. मेरी बात भी समझ आ गई, तो मान के चलिए अभी जरूरत नहीं है, टेंशन समझ आ गई. तो अब पाइथागोरस जी की हेल्प ली जाए कि ये अगर मैं डी मान लू तो डी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, 28 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर. नहीं समझ रहा है तो डी को आपको कैलकुलेट करने के लिए रूट निकालना पड़ेगा इसका, 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर. जब आप ताम जाम मैथमेटिकल दांत पर ये सब करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आती है, 35. तो किसी को डाउट यहां तक, तो डायमीटर जो है वो 35 सेंटीमीटर है, तो आपको समझ आ गया कि इसका जो रेडियस है वो 35 बाय 2 सेंटीमीटर है. तो अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए सबसे पहले तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे. एरिया ऑफ सर्कल तो निकल गया आपका पाई आर स्क्वायर. नहीं समझ रहा, माइनस रेडियस सॉरी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्या है, 28 इंटू 21. नहीं समझ रहा, 28 इंटू 21 है, ठीक है. इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा याद रखिए कि ये जो ऊपर वाला 35, ऊपर वाला जो 35 है वो ये वाले 7 से चले जाएगा, तो ये यहाँ 5 छोड़ेगा, ये 2 और ये 11. तो बेसिकली आपको 11 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन 2 माइनस 28 इंटू 21 को कैलकुलेट करके जो भी आंसर है वो यहाँ पर आंसर लिख सकते. डाउट है तो अभी बोलते हैं.